Hey guys, welcome back to the channel and welcome to another video. आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा स्पेशल और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ बिकॉज टाइटल से पता चल गया होगा आप लोगों को कि आई एम गोइंग टू मीट साइमा शाय स्टाइल्स और ये दिन का ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी. ओके सो मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी कैसे कैसे करके. सुबह सुबह मैं जल्द ही रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरे घर से साइमा का घर इज़ अराउंड लाइक जहाँ पे उसने लोकेशन डाली फायर गार्डन्स इट्स अराउंड 1 आर का रास्ता है. तो बहुत ही मुश्किल से बहुत फटाफट मैं रेडी हुई हूँ. जो मिला वो पहना जैसा मेकअप हुआ वो किया. सो अभी कैब बुक करी है एंड उसके बाद देखते हैं. ओ माय गॉड आई एम सो नर्वस आई कैन टेल यू. बहुत ही ऑकवर्ड सा फीलिंग हो रहा है बिकॉज मैं उसे 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ एंड मैं आज तक किसी यूट्यूबर से नहीं मिली. किसी भी नहीं मतलब किसी सेलिब्रिटी किसी से भी नहीं मिली हूँ. तो फिर साइमा से मिलने का एक अलग ही एक्साइटमेंट है. आई डोंट नो मैं क्या बात करूँगी एंड आई एम प्रिटी नर्वस बट आई एम एक्साइटेड एट द सेम टाइम. तो चलो देखते हैं हाउ शी लुक्स इन रियल लाइफ. साइमा आप डाइट पर हो कैसे खाओगी ये सब. आई थिंक उस साइड है कॉर्नर पे. मेरा फ्रेंड है. अच्छा ओके. माय गॉड लोग इतनी सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने. Hi guys, subscribe to her channel. Your channel is Wow Pooja and she is wow. Thanks Saima, thank you. You're so pretty, but thank you. Hi guys, subscribe to her channel. Mayank, hi. Hi. सच में बहुत लंबे हो. गाइज ऑनेस्टली मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना साइमा उधर सबके साथ फोटो खिंचा रही है एंड आई एम नॉट यूज टू इट यार. मेरे से नहीं होता है इतना बात करने तो कैसे तैसे मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ही ले पा रही हूँ. साइमा पता है मुझे इतनी सारी बातें करनी थी आपसे मैं सब भूल गई. लिटरली शांत खड़ी हूँ मैं इतना बोलती हूँ. अभी हम अच्छे से सेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. ठीक है अभी आधे घंटा सब गाड़ी लगता है. लेकिन यार यहाँ पे गर्मी बहुत है. गर्मी तो वहाँ पे भी होने वाली है. दिल्ली में मम्मी पापा कहाँ रह गए. सॉरी याद लगी थी. नहीं नहीं चलो भाई सफल होगी. दोनों का बर्थडे एक साथ है इसीलिए दोनों बर्थडे कल. माशु कैमरा देखो क्या दिख गया. ओ कैमरा कैमरा देखो मम्मा को नहीं बैठो. माशु मम्मा माशु माशु यार देखो माशु
चू आंटी मैं भी हूँ प्यारे प्यारे बच्चे खुश हो गए क्या पता आज मेरे मुंह पर क्यों इतना ब्लश आ गया आप लोगों को नहीं आप लोगों को देख के आ गए मैं लेट हूं मैं 30 मिनट से रुकने वाली भाग के आई मैं स्टेशन से और हो गया साइमा के साथ मीट एंड ग्रीट इट वाज वेरी डिफरेंट वेरी यूनिक आई वुड से लाइक बहुत ही अनकम्फर्टेबल था आई कुडंट टॉक मच बिकॉज मेरे को ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैं किसी से मिलती हूँ आई कुडंट टॉक लाइक कुछ है टॉक ओके माई हस्बैंड इज कॉलिंग थोड़ी देर में बात करती हूँ मतलब मैं थोड़ी देर पहले उनसे बात करके फिर आई जस्ट टॉक टू यू गाइस घर पर आ गई हूँ गाइस मैं और ओके सो मैं बोल रही थी गाइस कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना कंजर्वेटिव पर्सन हूँ लाइक वैसे मैं बहुत बात करती हूँ अगर मैं एक बार आपको जान गई लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ मैं इतनी ओपन नहीं हो पाती हूँ एंड दैट इज़ अ लिटिल बिट ड्रॉबैक ऑफ माइंड बट ओवरऑल द मीटिंग वॉज सो ग्रेट गाइज मीटिंग इतना अच्छा था ना साइमा से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा शी इज़ वेरी प्रीटी वेरी हम्बल और मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ लाइक इट्स बीन थ्री फोर ईयर्स 2016 या 17 से कर रहे हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ चलो अभी घर जाके देखते हैं क्या करना है मुझे वर्कआउट वगैरह भी करना है काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्लान सो लेट्स सी कोई है कोई है क्या खोलो मम्मा नहीं है मेरा गुच्चू है गुच्चू मेरे को मिर्ची नहीं दिया क्या तुमने गुच्चू ज़्यादा थका फील कर रही हूँ ना अभी आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रहा है मुझे अभी ओके तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना तो है वर्कआउट तो क्यों ना कॉफ़ी पी ली जाए कॉफ़ी पीने से आ जाएगी एनर्जी और मैं वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँगी तो यूजुअली मैं ब्लैक कॉफ़ी मेरे घर पर पीती थी और यहाँ पे पी रही हूँ वैसे मैंने आपको अभी शेयर नहीं करा ना अपना फर्स्ट डे इन ससुराल एंड बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने बाकी हैं गाइज मेरे पास ना फुटेज ही नहीं मिल रही है मतलब मेरा या तो कभी फोटोग्राफर नहीं देता है फुटेज या फिर बहुत सारे लोगों के पास वो फर्स्ट जब हमने एंटर किया था उन सब के फुटेज किसी न किसी के पास में है तो उनसे मुझे लेना पड़ेगा कब लेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज मिलना ही नहीं हो पाता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई डोंट नो सडनली मेरा हेडेक इतना क्यों हो रहा है लेट्स सी थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फ्रेशन अप हुआ जाए उसके बाद वर्कआउट किया जाए बिकॉज आई एम करेंटली डूइंग वर्कआउट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो पता रहेगा आपको वर्कआउट मेरा रोज़ का हो गया है एंड बहुत ही रिग्रेसली मैं फॉलो करती हूँ वर्कआउट मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करी दैट इज़ समथिंग लाइक पता नहीं रिसेंटली आई थिंक आई गेंड 5-6 kgs ऐसा सही कहते हैं लोग शादी के बाद ना लड़कियां मोटी हो जाती हैं एंड वही हो रहा है बिकॉज कोई भी रूटीन फॉलो नहीं हो पाता खाना चेंज होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो नॉर्मल सी बात है बट अभी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ पोस्ट करने वाली हूँ इतना जल्दी आप लोगों के साथ जो मैं शूट कर रही हूँ अभी मैंने अपने कोई भी वीडियोस नहीं पोस्ट करे हुए हैं यार ये अंधेरा कर देती हूँ मेरा फ़ोन ना इतना जल्दी कैचअप नहीं कर पा रहा है डोंट नो व्हाई तो चलो अभी थोड़ा सा टीवी एंजॉय किया जाए उससे पहले मैं मेरी सासू मोम से भी मिलकर आती बिकॉज मैं जब से आई तब से मिली नहीं हूँ क्या कर रही हूँ मम्मी आज मशीन निकली है नहीं अभी रास्ते में हूँ तुझे बोला था मेरी मम्मी को मम्मी को ऐसे बोलते नहीं अभी रास्ते में अभी ट्रेन में हो
क्या कर रहे हो? कौन सी चीज़ पे सिलाई मार रहे हो? सारी कवर बना रहे। अच्छा, इनका कवर। हाँ हाँ हाँ, तो पुरानी साड़ीज इसमें यूज़ कर लेते हो? हाँ सही है ना। कितने टाइम बाद मशीन देख रही हूँ मैं आपको मशीन पे। चलो मैं चाय पी लिया, मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ। सर दोपहर 4 बजे निकले? 4 बजे। अच्छा 5 ही बज रहे हैं। 5 बजे का ट्रेन था ना उनका शायद? हाँ। अच्छा, आजकल मैं नेटफ्लिक्स पे एक नया शो देख रही हूँ, एमिली इन पेरिस। और अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे इंस्टा पे तो पता रहेगा मैंने किया है पोस्ट ऑलरेडी। बहुत सही शो है, मतलब काफ़ी फ्री माइंडेड है, मतलब एकदम रिलैक्स फील होता है उसको देख के। सो नेटफ्लिक्स नाच 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 मेरी रानी। मेरे को इतना कंटाला आ रहा था आज वर्कआउट करने में, इतना ज़्यादा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। एंड फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि कर लेना, क्यों मिस कर रही है, तो मैं फाइनली कर रही हूँ। मतलब लाइक ऑलमोस्ट मैं 2 आवर्स से, गुजी मैं कितने घंटे से प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ, आई थिंक 6 o'clock से। मेरा प्लान था मैं 6 बजे वर्कआउट करूँगी और अभी 8 बजे में 15 मिनट है। एंड गुजी सिंह देख एक बार करना शुरू करेगी तो फिर आलस नहीं आएगा। एंड लिटरली आई एम गोइंग टू थैंक हिम लेटर बिकॉज मुझे भी पता है कि एक बार मैं करना शुरू करूँगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आज घर पे कोई नहीं है। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं पहला ऐसा आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जहाँ पे एक मिनट हाँ और रेट से मैं क्या कह रही थी कि मैं पहला ऐसा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम अपने घर पे ऐसे ब्लॉगिंग। एंड ऑल्सो मेरी मजे की बात यह है कि आज लकीली या क्या बोलूँ पता नहीं, कोई भी नहीं है घर पे। लाइक ऐसा कभी नहीं होता, मेरी 2 महीने 2.5 महीने की शादी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि घर पे कोई नहीं हो। यूजुअली प्रतीक की दादी रहती है, कोई ना कोई तो रहता है, लेकिन अभी प्रतीक की मम्मा मासी के घर चली गई, प्रतीक के पापा गुजरात चले गए, दादी अपनी फ्रेंड के घर चली गई फॉर 2 डेज, तो फिर आज घर खाली है। एंड मेरा और पहला, मतलब मेरा और प्रतीक का पहला ऐसा खाली घर में टाइम है। मैं व्लॉगिंग कर रही थी एंड घर पे सब गायब, लाइक मम्मी सिर्फ रहने वाली थी, लेकिन शाम को पता चला मम्मा भी जा रहे हैं तो वो चले गए। अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ बिकॉज मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया है। एंड यहाँ पर ना धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, कितना भी झाड़ू लगाओ फिर से उतना ही गंदा हो जाता है। सो मैं हमेशा झाड़ के ही अपना ही रखती हूँ, मैट रखती हूँ। तो देखते हैं आज खाने पीने का अकेले हमारा क्या सीन होने वाला है, मज़ा आएगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शूट क्योंकि ऐसा डिफरेंट व्लॉगिंग हो जाएगा। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि व्लॉग ऐसे कंटिन्यू होगा कि घर पे कोई भी नहीं रहेगा, बट इट वुड बी रियली फन एंड डिफरेंट। लेट्स सी, फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा घंटा लग रहा था, मैं अभी आपको इतनी एक्टिव एक्टिव दिख रही हूँ। जैसे मैं हाथ में आई ना एक्टिव हो गई मैं। और 8 मतलब 9 बज जाएंगे मुझे करते करते, फिर मुझे प्रतीक के लिए डिनर बनाना है। कुछ तो आज मूवी नाइट होने वाली है, बहुत सारा फन करने वाले, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। सब शेयर करूँगी अपना वर्कआउट थोड़े टाइम बाद ही, जब ही मेरे को थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। वैसे आज तो बहुत ही जंग खाने वाली हूँ मैं क्योंकि मैं डाइट कर रही थी, बट ठीक है ऐसा मौका बहुत कम आता है। सो आज मैं और प्रतीक करेंगे पार्टी। ओ माय गॉड, जब मेरे इन-लॉज रहते हैं ना घर पे, मैं कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, उछल कूद नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो, आई फील वेरी मैच्योर एंड थोड़ा सा ऐसे। आई नो मेरी मम्मी देख रही होंगी ये वीडियो, मेरे ससुर जी मतलब फादर इन लॉ भी देख रहे होंगे और वो बोलेंगे हाय वैसे तो ये लड़की एकदम शांत बैठी रहती है घर पे और घर से जाती है कैसे उछल कूद रही है। सो दिस इज व्हाट आई एम, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना ऐसे अकेले, मतलब मैं मेरे घर पे रहती हूँ तो उछल कूद करती रहती हूँ। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लग रहा है। वैसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको आने वाले हैं, व्लॉग्स मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे मुझे फुटेज मिल जाएगा ना, मैं एक बार शादी वाले जो वीडियोज़ हैं वो एक बार कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारे अपने ससुराल वाले व्लॉग्स ही, ये देखने मिलेगा। एंड ये पता है ये यहाँ पे किसने बिठाया है, इस जो नाम है, कुछ तो नाम है, ये मेरी बड़ी छोटी वाली नंद का है जो ऑस्ट्रेलिया गई हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो आपको पता रहेगा। तो उन्होंने बिठाया, मतलब उनका ही टेडी है और इसको बिठाया है मेरे पति देव ने। मैंने कहा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या,
टीवी के ऊपर कौन बिठा दें डैडी को, डैड इज सो मच फन, मतलब फनी एक्चुअल में. अब मैं फटक से वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. वर्कआउट इज डन, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक गॉड कि मैंने ना मिस नहीं किया. मेरे बालों की क्या ही हालत हो रही है. सो मैं फटाक से जा रही हूँ नहाने, बिकॉज प्रतीक गए हैं जीरो मसाला लेने. यार पता है बहुत लेट हो गया है, मतलब अब तक खाना बन जाना चाहिए, बट ठीक है. कभी कभी प्रतीक को भी इतना खाने का ही रहता नहीं है. और मैंने फाइनली 287 कैलोरीज बर्न कर ली है. ऑयल से छुड़ा रही हूँ मैं, ये मैक का ऑयल है, मेकअप रिमूवर ऑयल, मुझे मैक के साथ में सैंपल में आया था. तो कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ या फिर कभी मैं कुछ और यूज़ कर लेती हूँ, लाइक इट इज़ नॉट एवरी डे वाला थिंग. सो मेरे पांडा इज बनने वाले हैं, फटाफट शाल लेकर आ जाऊँगी. लाइक इट विल गोना टेक मी ओनली थोड़ा सा टाइम. देखो ये आ गई फटाक से बनाने के लिए. हाँ बिकॉज लेट हो गया है, 9 बज गए हैं और प्रतीक को भूख लगी है. तो मैं फटाफट से ना रोटी ट्राई कर रही हूँ. रोटी वाले नूडल्स होते हैं ना, तो प्रतीक को बहुत पसंद है ना. यस यू लाइक इट. तो मैंने सोचा कि फटाक से ट्राई करके फिर उसके बाद कपड़े पहनेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा तो इस खाने में. तो फिर जैसे चाइनीज नूडल्स बनते हैं ना, वैसे ही बस चपाती के बनाने वाली हूँ. एंड इट इज हेल्दियर वर्जन एज कम्पेयर टू योर रेगुलर नूडल्स. I've been stuck in my feelings these days. I've been up in my bedroom now days. Even with the sun shining so bright, I wait till stars come at night. So I could dream about you tonight. Truth, truth, truth is I'm a little bit hesitant to hit you up. I get more scared as a damn grown up. This ain't a hookup, we could just burn up. Look, just shoot a 2 minutes. Yes. कोई मेहनत का काम नहीं है, फटाफट से बन जाते हैं ये. अगर बच्चे सब्जियां नहीं भी खाते हो ना, तो उनको इस तरीके से सब्जियां खिला सकते हैं नूडल्स बना के. बेस्ट तरीका है ना. हो गया, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं. यस कम कर दे. अभी मैं हेल्दी की बात करी थी कि हेल्दी बना लेते हैं, और यहाँ पे पता चला मैं अनहेल्दी बना रहा हूँ. सच में जल रही है ये. ओह माय गॉश, थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत है. एक्चुअली मैं पानी गर्म करके गई थी, नहीं गल गया. मेरी बब्बू को मैं जला थोड़ी ना खिलाऊंगी. थोड़ा सा पानी डाल दो ना, तो फिर वो जो बैठी हुई होती है ना ऊपर आ जाती है, लाइक गर्म पानी. थोड़ी देर उसको छोड़ देने का, तो फिर ऊपर आ जाएगी. नहीं जली है सच्ची में. अरे यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं क्या पूरे टाइम 2 सेकंड कपड़े पहनने गई थी. हाँ तो मैंने कम पानी डाला था, वैसे भी चिपक जाती. मैं जरा सा जल के आ गई, मेरे को ऐसे करेगा क्या. आप लोग भी सोचो कि मैं फर्स्ट टाइम अपना ऐसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपनी फाइट दिखा रहा हूँ पति के साथ में. मतलब पता लोग तो चलता ही रहता है. ओके माय मैगी इज डन. हम जस्ट हेल्दी की बात कर रहे थे, लेकिन प्रतीक को थोड़ी और भूख लगी, और आज अनहेल्दी डे है, चीट डे है. तो हम थोड़ा सा मैगी वैगी इन्जॉय करेंगे, मतलब सारा चीट मील इन्जॉय करने वाले बेसिकली. एंड हु डजंट लव चीट मील, एंड हु डजंट लव चीट मील. मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया है क्लूविया की तरफ से. अगर आपने मेरा नाइट वेयर हॉल नहीं देखा रहेगा तो बता दे रही हूँ. एंड बस आई एम डन. मैगी बोल
लाइक सीरियसली इट फील्स रियली डिफरेंट शादी के बाद ऐसे ससुराल में मैं आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ. वेरी वियर्ड फीलिंग. यू गाइस हैव टू सिट हियर बिकॉज मुझे सर्व करना है अभी. मेरे पति को भूख लगी है. ऑल्सो प्रतीक ने आज पिज्ज़ा मंगा रखा है. मैंने मना किया था फिर भी मंगाया. मैं डाइट पर थी बट उसको खाना था. गुज्जू आ जा. तो अभी हम टीवी इंजॉय करेंगे थोड़ी देर. एंड महाशय ने मैच लगा दिया बिकॉज ही लव्स सीइंग मैच एंड द गाय हु डजंट लव मैचेस. सबको ही पसंद होता है राइट. अब लगी है भूख क्योंकि 9:30 बज चुके हैं. हम लोगों को फटाफट से खाना है कुछ ना कुछ. सो पिज्ज़ा मैगी हमारा ये रोटी के नूडल्स. आज से चाइनीज डे ही होने वाला है. एंड ऑल्सो हमारे पास ना दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. दो लाइक वन इंटरेस्टिंग थिंग इज जीरू मसाला. ओके सो अगर आपने जीरू मसाला पिया आपको पता रहेगा कितना ज़्यादा टेस्टी होता है ये. और अगर नहीं पिया है तो डेफिनेटली ट्राई कर लो. तो हम ना आजकल कोल्ड ड्रिंक और ये सब के बदले ना जीरू मसाला पीते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. इतना अनहेल्दी और ये सब खाएंगे तो डाइजेस्ट करना भी तो ज़रूरी है. वाह यार वर्कआउट करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. गुज्जू काम ठंडा हो जाएगा. अभी ये लड़का लेट करेगा. तुम्हें भूखू लगी थी ना. मैंने देख कपड़े बिना चेंज करे फटाफट तुम्हारे लिए बनाया जस्ट बिकॉज तुम्हें भूख लगी थी. वरना आई वॉज इंट हंग्री. सो पिज्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड मंगा लिए. हो गया हमारा बहुत अच्छा खासा खाना. एंड अब देखते हैं टीवी में क्या देखने वाली हो. एक मूवी आई आई थिंक नेटफ्लिक्स पे. सो शायद वो देखेंगे. और एक लूट लपेटा भी आई है हमने आधी देखी थी. लगा दूंगा मूवी. देखेगा कि मैच देखेगा अभी. फिर क्या देखेगा. मेरे को शो देखना है. बाद में देखेंगे. तो मैच दिखाएगा क्या मेरे को अपने साथ. कितने टाइम बाद मैगी खा रही हूँ. ठंडी हो जाएगी यार मैगी. ठंडी अच्छी नहीं लगती. पहले मैगी खा ले. मेरे को हमेशा गर्मी लगती है. पिट्टू भर गया. तुम्हारा भरा पिट्टू. चलो किचन भी मैंने साफ कर दिया गाइस. एंड अब मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड करती हूँ. आई होप आपको आज का दिन अ डे इन माय लाइफ सॉर्ट ऑफ व्लॉग पसंद आया रहेगा. एंड या अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना. सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. तुम भी कुछ बोल दो मेरे लिए. सब्सक्राइब. हाँ अब तो करना ही पड़ेगा. प्रतीक ने बोल दिया ना सब्सक्राइब. चलो बाय.